हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, रोटी वर्सेस राइस, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी के घर में डेली बेसिस पे बनती हैं, बट जब बात आती है हेल्थ, वेट लॉस या फिटनेस की, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो रोटी खाएँ या राइस। तो आज के वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि आपको दोनों में से क्या चूज करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रोटी और राइस में से आपको क्या चूज करना चाहिए, उस पे जाने से पहले दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। वन मीडियम साइज रोटी से आपको मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 कैलोरीज और जिसमें होते हैं 20 ग्राम कार्ब्स, 3.5 ग्राम प्रोटीन, 2.5 ग्राम फाइबर एंड 0.7 ग्राम ऑफ फैट। और वहीं वन कप राइस में आपको मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली 240 कैलोरीज जिसमें होते हैं 53 ग्राम ऑफ कार्ब, 4.43 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0.7 ग्राम ऑफ फाइबर एंड 0.8 ग्राम ऑफ फैट। दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू जानने के बाद लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं होल व्हीट रोटी एंड वाइट राइस, जो कि हम सभी के घरों में कॉमनली बनते हैं। पर कंपैरिजन करने से पहले आपको सर्विंग साइज का पता होना चाहिए। रोटी की वन रेकमेंडेड सर्विंग इज 2, और जब हम राइस खाते हैं तो हम सर्विंग का ध्यान ही नहीं रखते। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राइस की वन सर्विंग होती है 186 ग्राम, जो कि होता है कुक्ड वेट। और दोनों की वन सर्विंग की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंपेयर करने पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली रोटी हैज़ मोर फाइबर इन इट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाइट राइस नहीं खा सकते, और किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले आइए कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। रोटी एंड राइस बोथ आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो तरह के कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड सिंपल कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का GI लो होता है और सिंपल कार्ब्स का GI हाई। अब आप पूछेंगे कि ये GI क्या होता है, तो GI होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब फूड आपकी बॉडी में कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को कैसे स्पाइक करता है। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब का GI लो होता है, विच मींस कि वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को इमीडिएट स्पाइक नहीं करते। ऑन द अदर हैंड सिंपल कार्ब्स का GI हाई होता है, विच मींस कि वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को इमीडिएट स्पाइक करते हैं। आइए अब चलते हैं रोटी और राइस पे। रोटी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है जिसका GI होता है 62, और वाइट राइस एक सिंपल कार्ब है जिसका GI होता है 73। अब ये देखने के बाद तो आपको बिल्कुल लगेगा कि वाइट राइस को अवॉइड कर देना चाहिए, बट वेट, इससे पहले कि आप कुछ भी डिसाइड करें, उनके विटामिंस और मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। राइस में होते हैं बी विटामिंस, मैंगनीज, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फोलेट एक्सेट्रा। वहीं रोटी में होते हैं विटामिन बी, ई, कॉपर, मैंगनीज, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फोलेट एक्सेट्रा। अब रोटी और राइस दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जानने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों को ही अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दे बोथ आर सोर्सेज ऑफ कार्ब्स। और लोगों को लगता है कि कार्ब खाने से मोटे हो जाते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कार्ब्स डू नॉट मेक यू फैट, बट रॉन्ग चॉइस, टाइमिंग एंड अमाउंट डू। यानी अगर आप सही टाइम पे और सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे
कोई भी नुकसान नहीं होता, फिर चाहे वो रोटी हो या राइस। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप होल व्हीट आटा में दूसरे ग्रेन्स का आटा मिक्स करके रोटी बनाएं, क्योंकि होल व्हीट में ग्लूटेन होता है जो आपको थोड़ा लेथार्जिक बनाता है, और दूसरे ग्रेन्स मिक्स करने की वजह से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और आटा गूंदते समय उसे लंबे समय तक गूंदें, जिससे कि रोटी की डाइजेशन बेटर हो जाएगी। रोटी को आप लंच या डिनर में कभी भी खा सकते हैं, बस सर्विंग साइज का ध्यान रखें। अगर आप राइस चूज करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ फैंसी राइस लाइक ब्राउन राइस, तो आप उन्हें अवॉइड करें क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप वाइट राइस ही चूज करें। और बहुत सारे लोग राइस कुक करते हुए एक्स्ट्रा पानी को निकाल के उसमें से स्टार्च रिमूव कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस स्टार्च के साथ न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। तो राइस बनाने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश करें और पानी में सोक करके रखें, और उसी पानी में राइस को कुक करें सो दैट उनके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहें। और राइस खाने का बेस्ट टाइम होगा लंच, बस आपको सर्विंग साइज का ध्यान रखना है, क्योंकि राइस खाते हुए हम प्लेट में भर लेते हैं और पोर्शन साइज का ध्यान नहीं रखते। तो आपको रेकमेंडेड सर्विंग ही लेनी चाहिए जो कि है 186 ग्राम कुक्ड वेट। और क्योंकि राइस की तासीर ठंडी होती है तो आप डिनर में राइस अवॉइड करें। मोस्टली लोग रोटी और राइस का कंपैरिजन तब करते हैं जब वो वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बोला जाता है कि राइस मत खाओ, रात को रोटी मत खाओ, लो कार्ब डाइट या क्रैश डाइट्स को फॉलो करो। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको हेल्दी वे से वेट लॉस करना है तो एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। एंड अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स, proteins and good fat. In fact, 50-55% of recommended calorie intake should come from carbohydrates. फिर उसके लिए चाहे आप रोटी खाएं या राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, as they both are good sources of carbohydrates. बस आप quantity को measure करके खाएं, और इसके साथ ही अपने lifestyle में physical activity ज़रूर include करें। So the conclusion is, when next time somebody suggests you to avoid roti or rice, aap khud analyze aur calculate kijiye apna body type, calorie requirement and physical activity, tabhi koi decision le. And my say is, whether it is roti or rice, you can have both. Hope you liked the today's video aur aapki confusion dur hui hogi. Keep watching. Keep loving, keep supporting. I'll be back with next video very soon. As I always say, follow your passion, follow your dreams, and stay fit.